हम यहाँ पर एक सिलेंडर बनाएंगे। सिलेंडर के लिए हमने पहले इसका बेस तैयार करेंगे। हमने लिया यहाँ पर 15 की विड्थ और 30 की डेप्थ, 15 30 डेप्थ नाली। इसी के रेफरेंस में हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसकी आइसोमेट्रिक, आपका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बेस प्रोवाइड किया हमने, एक बेस लेंगे। बेस के बाद जो डायमेंशन है इसके अकॉर्डिंग हम आइसोमेट्रिक का बेस रेडी करेंगे। इसके सेंटर पॉइंट से हमने, ठीक है, डायमेंशन दी 15 की, 15 की लाइन बनी। इसके बाद हम इसका ऑफसेट देंगे 15 का, ऑफसेट आ गया। एक और लाइन कमांड देंगे, लाइन सी, इस लाइन को बनाया। फिर सी ओ कमांड से इसको सेलेक्ट करके इस पॉइंट पर लेके आएंगे। अब इसके पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट है, इसके पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट पर लाइन ड्रॉ होगी। अगेन इसके पॉइंट से इसके लाइन पर सेंटर लाइन ड्रॉ होगी। अगेन इस पॉइंट से इस सेंटर लाइन पर ड्रॉ होगी, लाइन से सेंटर लाइन पर ड्रॉ होगी। ठीक है, अब इसमें हम इसका 8 सेंटर पॉइंट्स लेंगे ताकि हम इसके अंदर एक आर्च बना सके। ए एंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इसका आर्च बनाया। ए एंटर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इसका मिडिल मिडिल पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दो आर्च हो गए। अब इन्हीं को हम मिरर कर लेंगे ताकि एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे ये सेट हो जाए। फिर से आर्च बना लेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करा, इस पॉइंट पे क्लिक, फिर से आर्च बनाएंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करा, सेंटर पॉइंट पर, ये हमारा आर्च रेडी है। इसको हम डार्क कर लेते हैं ताकि इसका हमारा मेन ऑब्जेक्ट दिखता रहे। ठीक है, अब इन्हीं की पॉइंट से बेस पॉइंट की हाइट लेंगे हम। हमारी हाइट थी 30, 30 हाइट देंगे, 30 हाइट दी, इस पॉइंट से 30 की हाइट जाएगी, पॉइंट से 30 हाइट, फिर अगेन इस पॉइंट से 30 हाइट जाएगी। ठीक है, अब ये जो बेस है इसको एज इट इज हम ऊपर की तरफ कॉपी कर लेंगे। ये सर्कल को भी ले लेंगे, पॉइंट का लिया। इस पॉइंट को लेने के बाद इन लाइंस को मिलाएंगे हम। अभी देखिए हमारा सिलेंडर रेडी है। हमने मेन हाईलाइट पॉइंट है, ये हमने देखा कि किस तरह से सिलेंडर बनाया है। जो हाईलाइट पॉइंट है अपना मेन ऑब्जेक्ट है, बाकी अपनी रेफरेंस लाइन है। इसको हटा के हम आराम से इजीली अपना मेन ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ये हमारा सिलेंडर रेडी है, बिल्कुल एक्यूरेट डायमेंशन के अकॉर्डिंग। इसको रेफरेंस में ले आते हैं हम। ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो गया। तो इसी तरह से हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। थैंक यू।